किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, कल से जो लगातार बहुत तेज़ हवा चल रही है और रुक रुक के बारिश हो रही है, जिससे ये हमारी धान की फसल देख रहे हैं एकदम चौपट हो चुकी है, पूरी एकदम ज़मीन पर गिर चुकी है। पूरी ज़मीन कहीं खाली नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, पूरा पूरा का धान एकदम से गिर चुका है। ऐसे में ऊपर से कहीं कहीं पर खाली खेत है, वहाँ पर पानी भी भर गया है, जल भराव हो गया है, जिससे वहाँ पर जो धान है वो सड़ने की कंडीशन में आ चुका है। ऐसे में हमारे क्षेत्र में सभी किसानों के खेत देख रहे होंगे, इधर जो ताज धान की वैरायटी लगी थी वो भी गिर चुकी है। और इस वैरायटी की बात करें तो 6129 गोल्ड जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबाई भी नहीं होती है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी। फ़िलहाल ताज की जो वैरायटी होती है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, वो तो गिर चुकी है। लेकिन जो ये मोटा धान है, ये भी पूरा का पूरा प्लाट, जो 40 बीघे का प्लाट है, कुछ लगभग 2-4 बीघे बचा हुआ है, जो थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद रोपाई की गई थी। और ये जो पहले रोपाई की गई थी पूरा कटाई के लिए तैयार था, 5 या 6 अक्टूबर को इसकी कटाई का काम शुरू हो जाता, लेकिन इसके पहले जो मौसम गड़बड़ हो गया है, बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है, लेकिन इस समय कुछ घंटों से बारिश नहीं हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि लगातार लगभग 2-3 दिन बारिश और होगी। क्या होता है, इस धान का पानी ऊपर भरा हुआ है, कहीं कहीं आप देख रहे होंगे ये पानी भरा हुआ है, तो ऐसे पूरे खेत में कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम पानी भरा हुआ है, पूरे की पूरी फसल जो है चौपट हो रही है। धान की पैदावार की बात करें तो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैदा भी धान था, पूरा ये धान देख रहे होंगे एकदम से चौपट हो चुका है। इधर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है, ये देख रहे होंगे पानी भी ऊपर से कहीं कहीं पर ज़्यादा भरा हुआ है, रुक रुक के बारिश हुई है, जिससे वहाँ पर पानी सूखता हुआ चला गया है, मिट्टी ग्रहण कर ली है पानी, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं पर ज़्यादा ऊंचा खेत है, नीचा है, पूरा बराबर खेत एकदम से गिर गया है। ये दूर तक आप फसल देख रहे हैं, पूरा प्लाट 40 बीघे का है और पूरी की पूरी फसल एकदम से गिर चुकी है। दूसरा जो उधर देख पा रहे हैं, वो उधर जो दूसरा प्लाट है उसमें भी रोपाई 2 दिन के बाद हुई थी, वो भी एकदम से गिर चुका है और ऊपर से कहीं कहीं पर पानी भी भरा हुआ है, ये देख रहे होंगे। इधर का प्लाट भी दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नज़र जा रही है दूर तक पूरा प्लाट मेरा ही है, और पूरे धान की जो वैरायटी थी एक ही थी, बाहर का 6129 गोल्ड, जो काफ़ी ज़्यादा हाइट भी नहीं थी, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही है, कल से इतनी रुक रुक के बारिश हो रही है और इतनी तेज़ स्पीड में हवा चल रही है, जिससे पूरा का पूरा धान, ऐसा कोई कोई प्लाट थे जिसमें मतलब बालियां निकल ही रही थी, कुछ बालियां निकल पाई थी, कुछ बालियां निकल भी नहीं पाई थी, ऐसे भी धान किसान भाइयों गिर चुके हैं। ताज धान की वैरायटी तो काफ़ी हाइट होती है, उसका जो पकने का टाइम था वो भी पक चुका था और बालियां पूरी एकदम से सुनहरा कलर भी हो चुका था, ऐसे में वहां पर पूरी की पूरी फसल एकदम चौपट हो चुकी है और वहां की जो बालियां हैं पानी में एकदम तैर रही हैं, ऊपर से पानी भरा हुआ है और नीचे एकदम से पूरा का पूरा धान गिर पड़ा है, और इससे में फसल की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी हो गया है, ये आप देख रहे हैं। ये इधर आपकी जो इधर प्लाट है वो भी दिखा रहे हैं, और मौसम विभाग जो बता रहा है कि लगातार 2 से 3 दिन बारिश और हो सकती है। इधर मौसम देख रहे हैं, बादल आते जा रहे हैं, ये देख रहे हैं मौसम क्या हाल है, और ये आप फसल देख पा रहे हैं, ये पूरा मेरा ही प्लाट है। कंबाइन मशीन से धान की कटाई वैसे हर साल कराते हैं,
इस बार कंबाइन ही मशीन से धान की कटाई होगी, क्योंकि इतना लंबा प्लाट है तो हाथ की सहायता से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके बाद इसमें आलू की बुआई भी करानी है, तो जल्दी से खेत की तैयारी भी करानी है। एकदम से जैसे पाटा लगाता जाता है ट्रैक्टर से, ऐसे ही पूरा धान एकदम से गिर चुका है, ये देख रहे होंगे। पूरा धान 40 बीघे का प्लाट है, पूरा का पूरा धान गिर गया है। ये देख रहे होंगे। ऐसे में किसानों को यहाँ पर कुछ कर्जे पे पैसे लेकर वहाँ पर धान की रोपाई किए थे, कुछ किसान वहाँ पर बच्चे पढ़ाते उसकी फीस भी जमा करनी थी, लेकिन किसान की फसल यहाँ पर चौपट हो चुकी है, तो कैसे वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। पूरी की पूरी फसल डूबी हुई है, खेत में पानी भरा हुआ है और मौसम उधर अभी भी करवट नहीं ले रहा है कि मौसम साफ हो जाएगा। फिलहाल मौसम वैसे ही बना हुआ है, रुक रुक के बारिश हो रही है, तेज़ हवा चल रही है। ऐसे में अगर यहीं बारिश रुक जाती, हवा रुक जाती है, तब भी किसानों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बारिश लगातार 2 से 3 दिन तक और हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में अगर पानी ज़्यादा भर जाता है तो जो भी कुछ बचने वाला था धान से वो भी कुछ नहीं बच पाएगा, किसानों की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बेचारा किसान क्या करेगा, यहाँ पर पूरी की पूरी फसल जो हमारी थी, लागत लगी थी, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, उस पर पानी फेर गया है। तो ये वीडियो किसान भाइयों देख रहे हैं, अगर पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लगातार आपको ताज़ा अपडेट यहाँ पर देते रहते हैं। नमस्कार।